नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साइड डोरी कुर्ती का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन देखेंगे। बनाने में आसान है और सारी चीज़ें डिटेल में बताइए ताकि आपकी कुर्ती का फिटिंग एकदम परफेक्ट आए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। ये इसकी लंबाई है कपड़े की और ये इसकी चौड़ाई है जो कि 42 इंच है। कपड़े को मैंने लंबाई में फोल्ड करके लिया है और अब हम इसे चौड़ाई में फोल्ड करेंगे, लेकिन उसके पहले नाप डालना है। जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसमें चौथा भाग कीजिए और 3 इंच मिला दीजिए। मेरा आ गया 12 इंच। 12-12 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है और मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी। तो ये आपको अपनी चौड़ाई मिल जाएगी कुर्ती की। तो ये देखिए, ये 4 तह में कपड़ा है। अब हम इसके ऊपर शोल्डर का नाप डालेंगे। तो शोल्डर है मेरा 7.5 इंच, जो कि मैं नॉर्मल कुर्ती में इतना ही लेती हूँ, उतना ही लेना है। उसके बाद आर्म होल में नॉर्मल कुर्ती में 8.25 इंच लेती हूँ, उतना ही मुझे यहाँ पर भी लेना है। अब आता है चेस्ट का नाप। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज रहेगा। चेस्ट है मेरी 36 इंच, आपकी जितनी भी है उसका चौथा भाग करें और उसमें 1.5 इंच मिलाए। अब 1.5 इंच क्यों? क्योंकि नॉर्मल तो हम 1/4 इंच का ही लूजिंग डालते हैं, तो 1/4 इंच का लूजिंग रहेगा और 1/4 इंच लूप्स अटैच करने का रहेगा। तो कुल मिला के मेरा आ गया 10.5 इंच। अब हम कमर की लंबाई का नाप डालेंगे, जो कि नॉर्मली मैं 15 इंच पर डालती हूँ, तो यहाँ पर भी 15 इंच पर ही डालना। कमर की गोलाई का मेथड भी सेम रहेगा। जैसे कि कमर है मेरी 32 इंच, चौथा भाग हुआ 8 इंच, उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये 1.5 इंच क्यों? तो उसमें से 1/4 इंच लूजिंग रहेगा जो हम नॉर्मली रखते हैं, और 1/4 इंच रहेगा लूप्स अटैच करने का। तो 9.5 इंच पर मैंने यहाँ पर कमर का मार्क किया। अब वहां पर 7 इंच नीचे मैंने स्लिट लाइन का मार्क किया, जहां पर हम हिप की गोलाई देते हैं। तो हिप है मेरी 40 इंच, चौथा भाग हुआ 10 इंच। अब 10 इंच में सिर्फ हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है? तो 10.5 इंच पर मैंने मार्क किया। हिप्स में हमें कोई लूजिंग डालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ऊपर से 3 इंच मैंने मार्क किया है चेस्ट लाइन से, क्योंकि यहाँ पर हमें फुल बस्ट का नाप डालना है। फुल बस्ट है हमारा 38 इंच, चौथा भाग हुआ 9.5 इंच, उसमें 1/4 इंच का लूजिंग रहेगा और 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है लूप्स अटैच करने का। तो 10.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें चेस्ट, वेस्ट और फुल बस्ट इन तीनों में नॉर्मल कुर्ती से 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है लूप्स अटैच करने का। अब जैसा मार्क किया था वैसा शेप दे दिया और बाहर की तरफ जितना आप मार्जिन रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। मैंने रखा है 1.5 इंच। अब इसके नीचे तो सीधी लाइन कटेगी, ठीक है? अब यहाँ पर हम लेंगे गले की चौड़ाई, जो कि नॉर्मल कुर्ती में मैं 3 इंच रखती हूँ उतनी ही रखी है। पीछे का गला 2.5 इंच मैंने नीचे लिया है और बॉक्स बना के गोलाई दे दी। आगे का गला मैं यहाँ पर 7.5 इंच रखूंगी, जो कि ऊपर से जब शोल्डर कटेगा तो ये 7 इंच बन जाएगा। अब यहाँ पर बॉक्स बना दिया आगे के गले के लिए और गोलाई दे दी। आप यहाँ पर गले का शेप चाहे जैसा रख सकते हो, मैंने राउंड रखा है। उसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर स्लोप देते हैं 1/4 इंच का, यानी 0.75 इंच का, और यहाँ से हम तिरछी लाइन बनाएंगे। अब हम यहाँ पर आर्महोल का शेप नहीं देंगे, वो हम बाद में देंगे, तब तक हम सिर्फ ये तिरछी लाइन बनाएंगे, ठीक है? तो बस इस तरीके से तिरछी लाइन बनानी है और कटिंग करना है। अब हम कटिंग शुरू करते हैं। तो जैसा मार्क किया है वैसा हम कटिंग करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। तो देखिए, कटिंग हमारा हो चुका। अब नीचे की साइड में यहाँ पर फोल्ड था कपड़ा, तो इसीलिए मैंने फोल्ड के ऊपर कटिंग कर दिया। लंबाई कपड़े की जितनी थी, यानी कि जितना कपड़ा था उतनी मैंने लंबाई रखी है, लगभग 45 इंच है। अब यहाँ पर शोल्डर स्लोप की लाइन से हम कटिंग करेंगे और यहाँ पर पीछे का जो गला है वो कट कर देंगे। अब देखिए, हमें यहाँ पर नॉचेस लगानी है। तो ये कमर का मार्क जहाँ पर है वहां पर एक नॉच लगाना है बड़ा वाला। उसके बाद स्लिट लाइन के ऊपर एक बड़ा सा नॉच लगाएंगे। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों सेम कटे हैं, तो फ्रंट का गला कटिंग करना है, इसीलिए ये बीच का पार्ट जो रहेगा वो बैक पैटर्न रहेगा, इसे मैंने निकाल दिया। और ये ऊपर का पैटर्न फोल्ड करेंगे जो फ्रंट का रहेगा। अब सबसे पहले हम आगे का गला, यानी फ्रंट का गला कटिंग करेंगे
और जैसे कि आप सभी को पता है, आगे का जो आर्महोल है वो मैं आधा इंच कम रखती हूँ पीछे के आर्महोल से। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे नॉर्मल कुर्ती कटिंग का वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आधा इंच नीचे से कटिंग किया है, और ये आधा इंच नीचे से कटिंग करने के बाद यहाँ पर आगे का गला जो है वो 7 इंच का बन जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा डिप भी रख सकते हो। हाथों लगे हम यहाँ पर लूप्स का मार्किंग भी करेंगे। तो ये वेस्ट लाइन है, यहाँ पर 1.5 इंच अंदर लेना है। और वेस्ट लाइन के ऊपर 2 इंच लेना है। ठीक है, और वेस्ट लाइन के नीचे आप चाहे जितना रख सकते हो, 3 इंच रखो, 4 इंच रखो, 5 इंच रखो, आपकी मर्जी। तो यहां पर मैंने ये 4 इंच नीचे मार्क किया है। अब ये पूरा मार्क हो गया मेरा 6 इंच लंबा। अब यहां पर 1-1 इंच की दूरी पर हम इस तरह से मार्क करेंगे जहां पर हमारे लूप्स अटैच होंगे। अब सेम मार्क हमें बैक पैटर्न के ऊपर भी करने हैं, इसलिए मैंने बैक पैटर्न ले लिया है। और ये इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ भी सीधी साइड, और अंदर की तरफ रॉन्ग साइड रहेगी, क्योंकि मार्क्स जो करने हैं हमें सीधी साइड के ऊपर करने हैं। तो इस तरह से नॉच को नॉच मिलाते रखना है, और हल्के से थपथपाएंगे तो ये मार्क्स नीचे भी आ जाएंगे। तो यहां पर ये लूप्स का मार्किंग मैं डार्क कर देती हूँ। तो ये हो गया लूप्स का मार्किंग। अब सेम मार्किंग हमें दूसरी ओर भी करना है। ठीक है, तो इसे मैंने खोल दिया और इस तरह से फोल्ड किया ताकि यही मार्क्स इस ओर भी आ जाए। और यहाँ पर हल्के से थपथपाएंगे तो यहाँ पर ये निशान हल्के से आ जाते हैं, उसको डार्क कर दीजिएगा। तो ये सीधी साइड में निशान लगाने हैं क्योंकि लूप्स हमारी सीधी साइड में लगेंगी। बैक पैटर्न का तो हो चुका, अब फ्रंट का भी करना है। तो इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखूंगी। अब ये फ्रंट के उल्टी साइड में निशान मैंने बनाए ताकि आपको वेस्ट लाइन वगैरह समझ में आ जाए। तो सीधी साइड में निशान लगाने हैं, तो यहाँ पर ये हल्का हल्का सा आ गया है तो बस उसे डार्क कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसे फोल्ड करेंगे, थपथपाएंगे तो ये निशान इस और भी बन गए। ठीक, तो इसे भी मैं डार्क कर देती हूँ। तो अब ये निशान तो हमारे बन गए। अब लूप्स बनाने के लिए हमें डोरी भी लेनी होगी। तो डोरी जो है वो थोड़ी सी चौड़ी बनानी है। तो देखिए, मैंने चौड़ी वाली डोरी बनाई है। हम नॉर्मल जो डोरी बनाते हैं वो बारीक बनाते हैं, यहाँ पर बारीक बिल्कुल भी नहीं बनानी, थोड़ी सी मोटी डोरी बना रही है चौड़ी, और उसके 2-2 इंच के पीसेस काटने हैं। क्योंकि लूप्स जो है ना बारीक डोरी के बनेंगे तो कपड़ा फोल्ड करने में तकलीफ होगी, इसीलिए इस तरह के लूप्स हमें बनाने हैं। तो दोनों साइड के लिए मैंने लूप्स कटिंग कर दिए हैं, सेम तरीके से बैक पैटर्न के लिए भी कटिंग करने हैं। अब ये लूप्स अटैच कैसे करने हैं निशान के ऊपर वो मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, इसे फोल्ड करके मैंने ले लिया है, और जो लाइन है, खड़ी लाइन है, बिल्कुल उस खड़ी वाली लाइन के ऊपर हमें अटैच करते जाना है। तो खड़ी वाली लाइन हमने 2 इंच अंदर ड्रॉ की थी, तो बिल्कुल उसी के ऊपर हमें लूप्स को अटैच करना है। अब जो लूप्स का फेस है वो मैंने कुर्ती वाली साइड यानी गले वाली साइड में रखा है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो, सेम तरीके से इस साइड में भी हमारे लूप्स अटैच होंगे। इसे फोल्ड किया, और लूप्स लूप का जो फेस है वो मैंने अंदर की साइड रखा है, जैसे आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से सेम तरीके से जो हमने निशान बनाए हैं बैक पैटर्न के ऊपर, वहां पर भी हमें लूप्स अटैच करने हैं। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट पैटर्न। ठीक, अब लूप्स अटैच हो जाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा का है उसे कट कर दीजिएगा। बस क्वार्टर क्वार्टर इंच का ही कपड़ा रहना चाहिए, बाकी का एक्स्ट्रा का पूरा कट कर दीजिएगा। कट करते वक्त सावधानी से कट कीजिएगा, वरना कुर्ते का कपड़ा कट हो जाएगा। अब इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है, जैसे आप देख पा रहे हो। तो मैंने इसे फिटिंग वाली जो हमारा साइड होता है कुर्ती का उस और इसे फोल्ड किया है, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम पिंच लगा कर लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर ये 1/4 इंच सिलाई में दब जाएगा। तो हमने जो चेस्ट में, वेस्ट में और फुल बस्ट में 1/4 इंच लूप्स अटैच करने का एक्स्ट्रा लिया था, तो वो इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर ये दब जाता है। अब ये जो प्लीट है वो ऊपर तक बनेगी, मतलब पूरे आर्म होल तक। तो जैसे आप देख पा रहे हो, पूरे आर्म होल तक मैंने इसको दबाया है और पिन लगाई है।
सेम तरीके से इस साइड में भी करना है। तो यहां पर भी देखो इसको मैं बाहर की तरफ पलट दूंगी, तो ये पूरा जो है पूरा पौना इंच तक जाता है सिलाई मार्जिन, तो इसलिए हमने पौना पौना इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब यहां पर भी मैं पिंच लगा दूंगी, सेम तरीके से पिंच लगाने हैं। और यहां पर भी ऊपर की तरफ मतलब यहां पर भी हम इसको दबा देंगे। अब आप कहोगे क्या शोल्डर का नाप इससे कम होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो सिलाई आती है वो शोल्डर के बाहर है, आमहोल की तरफ जाती है, तो इसलिए शोल्डर कम पड़ने की कोई संभावना ही नहीं है। तो जैसे आप देख पा रहे हो, अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर और सिलाई में ऊपर की तरफ से लगाऊंगी। तो जैसे आप देख पा रहे हो शोल्डर के बाहर ये सिलाई मार्जिन दब जाता है, इसलिए शोल्डर में एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर से मैं सिलाई लगाऊंगी यहां से, तो बस यहां से हम एकदम किनारे से सिलाई लगाएंगे। सेम कुर्तीज पहन पहन कर अगर आप बोर हो गए हो तो ये वाला पैटर्न जरूर ट्राई कीजिएगा, बनाने में भी आसान है और बहुत हटके लुक देता है, तो जरूर ट्राई करना। और हाँ, आपको कोई डाउट्स है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछना। तो देखिए बिल्कुल किनारे से मैं सिलाई लगाते जा रही हूँ। अब जब हम यहाँ लास्ट वाले लूप्स की ओर आते हैं तो इसके नीचे करना क्या है? सिलाई जो है हमें स्लिट लाइन तक खत्म करनी है, ये हमारी स्लिट लाइन जहां से हमारे स्लिट शुरू होंगे। तो यहाँ आते आते बस यहाँ पर चिमट में कपड़ा पकड़ना है इस तरीके से, और कपड़े को यहीं पे हमें खत्म करना है। तो देखिए मैंने कितना छोटा सा चिमट में आए उतना ही कपड़ा पकड़ा है और यहाँ पर सिलाई को खत्म किया। अब इसके नीचे बिल्कुल भी झोल नहीं रहेगा जैसे आप देख पा रहे हो, है ना, जिस तरह से हम डार्ट लेते हैं ब्लाउज में और डार्ट को कैसे हम किनारे तक लेके जाते जाते खत्म करते हैं, वैसे ही खत्म किया है। तो यह मैं आपको उल्टा करके भी दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई लग चुकी है। अब उल्टी साइड में आप देखो, तो देखो ऊपर तक मैंने उतना ही सेम मार्जिन रखा है, ठीक है, और बस स्लिट लाइन की ओर मैंने इस मार्जिन को कम करते करते खत्म किया है। ये देखिए ये बिल्कुल डार्ट की तरह दिखेगा आपको। तो ऐसे ही आपको सिलाई लगानी है ताकि नीचे की तरफ झोल ना आए। यहां पर मैंने खत्म किया है, सेम तरीके से हमें दूसरे साइड में भी सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ये एक साइड तो कंप्लीट हो चुकी, सेम तरीके से ये वाली साइड भी, तो इसे भी हम वही वैसा ही सिलाई लगाएंगे। तो यहां पर मैं ऊपर से शुरू करूंगी। अब फ्रंट के दोनों साइड में जैसे मैंने पहले लूप्स लगाए उसके बाद उसे पलटकर सिलाई लगाई, सेम तरीके से बैक पैटर्न में भी करना है, क्योंकि बैक पैटर्न में भी हमने मार्किंग करके रखा है। बस उसके ऊपर सेम तरीके से लूप्स अटैच करो, लूप्स का एक्स्ट्रा का कपड़ा कट करो, और फिर जैसे हमने फ्रंट में सिलाई लगाई है फोल्ड करते हुए लूप्स को, वैसे ही बैक में भी सिलाई लगा दो। तो यहां पर भी देखो स्लिट लाइन तक हमें इसे खत्म करना है, तो कपड़े को बस चिमट में पकड़ना है, ये देखिए बस इस तरीके से। और यहां पर दो उंगलियों से आप कपड़े को इस तरह से, ये देखिए इस तरह से कीजिए, और यहां पर दबा दीजिएगा और सिलाई लगा दीजिएगा ताकि ये डार्ट के जैसी सिलाई लग जाए। इससे क्या होता, झोल नहीं आएगा। सिलाई हमारी लग चुकी है और इसे भी मैं उल्टी साइड से आपको दिखाती हूँ ताकि आप कंफर्म रहें कि सेम सिलाई हमने यहाँ पर भी लगाई है। तो यहाँ पर देखिए ये सेम मार्जिन रहेगा, ऊपर से नीचे तक सेम मार्जिन रहेगा, बस यहाँ पर हमें मार्जिन कम करते करते डार्ट की तरह सिलाई लगानी है। ये देखिए स्लिट के और आते आते बस कम करते करते खत्म किया है। तो सिलाई हमारी लग चुकी है, अब हम आमहोल का कटिंग करेंगे। तो ये लाइन मैंने बना दी है खड़ी वाली और आड़ी वाली ताकि हम फ्रंट आमहोल का शेप दे सके। तो यहाँ पर हमें फ्रंट आमहोल का शेप देना है और आप कटिंग करना है। तो पहली ही बारी में हमने शेप देके कटिंग नहीं किया था क्योंकि हमें यहाँ पर लूप्स की सिलाई लगानी थी, इसीलिए सिलाई लगने के बाद आप आमहोल का कटिंग कर दीजिएगा। अब इसे बीच में फोल्ड करके ये वाला आमहोल का शेप भी कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पैटर्न के लूप्स अटैच हो गए और आमहोल का कटिंग भी हो गया, इसे साइड में रखेंगे और लेंगे बैक पैटर्न। बैक पैटर्न में मैंने सेम तरीके से लूप्स अटैच किए हैं, अब इसका भी आमहोल कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने खड़ी वाली और आड़ी वाली लाइन ड्रॉ कर दी है और फिर बैक आमहोल का शेप दे दिया और इसका भी कटिंग कर लेंगे।
तो एक साइड का आर्म होल कटिंग हो जाने के बाद इसे सेंटर में फोल्ड करें ताकि दूसरी और का आर्म होल भी हम कटिंग कर सकें। तो इसे मैंने फोल्ड किया और ये आर्म होल का कटिंग कर दिया। अब हम इसके गले जोड़ेंगे, बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती की तरह ही अब अगला प्रोसेस होगा। तो गले के लिए मैंने ये पट्टी निकाल दी है, ये लाइनिंग वाले कपड़े से निकाली है कॉटन के, और इसे मैंने राइट साइड की ओर रखा है और यहाँ पर मैं सिलाई लगा के लूंगी। पैटर्न के लिए मैंने ओरिप पट्टी कटिंग की है और मैं यहाँ पर पाइपिंग बनाऊंगी। पाइपिंग मैंने यहाँ पर बना दी है और पाइपिंग के वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड है, जरूर देखिएगा। तो बैक के लिए भी पट्टी लग चुकी है और इस किनार से भी सिलाई लगाई है, अंदर की तरफ कट्स भी लगाए हैं। अब हम लेंगे फ्रंट पैटर्न, हमें शोल्डर्स जोड़ने हैं। तो फ्रंट पैटर्न की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और इसे हम इस तरह से पट्टी के नीचे दबा देंगे ताकि हम फिनिशिंग के साथ शोल्डर की सिलाई लगा सके, और यहाँ पर हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। सिलाई मैंने लगा दी है, अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे तो दोनों की सीधी साइड ऊपर की तरफ आ गई, और यहाँ पर जो बैक गले की पट्टी है वो देखो अंदर की तरफ चली जाएगी और शोल्डर का फिनिशिंग भी रहेगा, ये देखिए। अब हम बैक पट्टी को अंदर डालेंगे और बैक साइड की ओर यानी कि गले की ओर सिलाई लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई मैंने लगा दी है। अब हम स्लीव्स जोड़ेंगे। स्लीव्स का कटिंग जो है आप नॉर्मल कुर्ती के लिए जिस तरह से स्लीव्स का कटिंग करते हो सेम तरीके से मैंने किया है, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस मैंने नीचे की तरफ ये पट्टी वाली बॉर्डर लगा दी है। अब इन स्लीव्स को मैं अटैच करूंगी यहाँ पर दोनों साइड में। तो स्लीव्स मैंने अटैच करके ले लिए हैं, अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग का मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है, जो हमने नॉचेस लगाए थे ना फ्रंट और बैक में, उन नॉचेस को मिलाते हुए रखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये देखिए मैंने नॉचेस को मिलाते हुए रखा है और स्लीव्स को भी अच्छे से मिला के रखा है। अब यहाँ पर ये सेंटर लाइन बना दीजिएगा हल्की हल्की ताकि हम फिटिंग का माप कर सके। तो यहाँ पर देखो चेस्ट का चौथा भाग अधिक 1.25 इंच लूजिंग बराबर से आ गया है और उसी के ऊपर फिटिंग का माप आया है। तो लेते टाइम हमने क्या किया था, चेस्ट का चौथा अधिक 1.5 इंच लिया था, उसमें से 1.25 इंच तो लूप्स में दब गया है और लूजिंग 1.25 इंच बराबर रहेगा। सेम फुल बस्ट में भी रहेगा, फुल बस्ट का चौथा अधिक 1/4 इंच लूजिंग, और वेस्ट में भी वेस्ट का चौथा अधिक 1/4 इंच लूजिंग। जो हमने 1.25 इंच लूप्स के लिए एक्स्ट्रा लिया था वो पूरा दब चुका है सिलाई में, और हिप में हिप का चौथा अधिक 1/4 इंच लूजिंग, जितना लिया था उतना ही हिप में, ठीक है। अब इसके यहां तक फिटिंग आएगी और यहाँ इसके नीचे नॉर्मल कुर्ती की तरह मैं स्लीव्स को जोड़ दूंगी। तो ये बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती की तरह रहेगा, ऊपर से नीचे फिटिंग और नीचे की तरफ स्लिट जोड़ दो। तो स्लिट्स मैंने जोड़ दिए हैं और बॉटम में भी मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके लिया है, ये बिल्कुल हमारी नॉर्मल कुर्ती की तरह ही सिलाई करनी है। अब ये जो लूप्स है वो आगे और पीछे दोनों तरफ है। अब यहाँ पर हमें डोरी डालनी है, तो डोरी जो है वो आप बारीक बना लो, मोटी बना लो, आप अपने चॉइस अनुसार, ठीक। तो मैंने यहाँ पर बारीक डोरी बना के ली है, ये लगभग 2 मीटर डोरी है, दो दो मीटर की दो डोरियां बना के लेनी है, एक तो इस साइड में लगेगी और दूसरी दूसरी वाली साइड में। अब देखो इसे मैं इस तरह से डाल रही हूँ, आप इस डोरी को हाथ से भी डाल सकते हो या फिर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है आपके पास तो उसकी सहायता से भी डाल सकते हो। तो एक एक छोड़ के हमें डालना है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो इसे मैं नीचे तक लेके जाऊंगी, तो देखिए ये मैंने कंप्लीट कर दिया है नीचे तक। अब डोरी का दूसरा नोक पकड़ेंगे और उसे भी सेम तरीके से डालना है। तो देखिए यहां से मैंने डाला फर्स्ट वाले में से, उसके बाद जो जो अब मैंने छोड़ दिया था उसके उसमें डालते हुए मैं इसको नीचे तक लेके जाऊंगी, जैसे आप देख पा रहे हो। डोरी मैंने दोनों साइड में डाल दी है और देखिए आप इसका कितना सुंदर आया है। आप अपने फिटिंग अनुसार यहाँ पर डोरी को टाइट कर सकते हो, लूज कर सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। पहनने के बाद बहुत ही स्मार्ट लुक देती है। इसे मैंने नीचे की तरफ ये लटकन्स लगाए हैं, काफी सुंदर लग रहे हैं। तो आज का ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, कुर्ती को जरूर ट्राई करना, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, धन्यवाद।